अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही मुहिम में जबलपुर की गढ़ा पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने दो तस्करों को करीब 3.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को खबर मिली कि शारदा मंदिर के पास दो लोग गांजा बेचने की फिराक में खड़े हैं। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कमल बाधवानी के साथ अभिजीत नाम के युवक को संदेह होने पर पूछताछ के लिए रोका। वहीं एसआई विनय बुंदेला ने बताया कि दोनों के पास एक काले रंग का बैग मिला जिसमें करीब 3.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। गांजे की कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपियों के पास से एक बुलेट बाइक भी मिली है जिसे जब्त कर लिया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और इनका पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। गांजे की तस्करी में दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या जी? बिल्कुल सही खबर है, गांजे की तस्करी में दो आरोपी कमल बागवानी तथा अभिजीत बेन को गिरफ्तार किया गया है। एक्चुअली घटना कल रात्रि की है, करीब 11 बजे क्राइम ब्रांच स्टाफ को सूचना मिली थी गांजा तस्करी के संबंध में कि दो लड़के गांजा बेचने की फिराक में शारदा मंदिर रोड पर घूम रहे हैं। तो इसी सूचना से उन्होंने थाना गढ़ा को अवगत कराया, तो थाना गढ़ा से उप निरीक्षक ब्रजेन तिवारी तथा उप निरीक्षक प्रशांत शुक्ला इन दोनों के हमारा कुछ स्टाफ गया वहां पर और एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रावधानों का पालन करते हुए इन्होंने उन दोनों से 3.5 किलो गांजा जब्त किया। ये कहां से गांजा लेके आ रहे थे, कहां जा रहे थे? ये दोनों रांझी निवासी है, दोनों रांझी निवासी हैं। ये दोनों रांझी से यहां पर किसी व्यक्ति को बेचने की फिराक में खड़े थे और इन्हीं जानकारियों को एकत्रित करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। इसमें कोई दीपक सोनकर का नाम आ रहा है जिसको क्राइम ब्रांच पकड़ नहीं पाई थी, क्या है? नहीं, इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है और इस प्रकार का कोई नाम भी नहीं आया है। दो लोगों को पाला गया था और दोनों ही लोगों से जब्ती एक काले रंग के बैग में 3.5 किलो गांजा और एक बुलेट काले रंग की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इनके कोई पुराने आपराधिक रिकॉर्ड? इसकी भी जानकारी ली जा रही है अन्य थानों से। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।